हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। तो ये पार्ट वन होगा इसका, फिर नेक्स्ट इसका सीरीज चलता रहेगा, पार्ट वन भी कर रहे हैं। इसका जो आंसर देखेंगे हम लोग फुली एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देर करना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था? आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, ज्योतिबा फुले और बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आपका जो आंसर होगा आंसर बी होगा। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था पहली बार। ठीक है, तो दोस्तों समझिए ठक्कर बापा कौन है, है ना। देखिए इनका पूरा नाम की बात करें तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर। ओके, इन्होंने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया है। इन्हें ठक्कर बापा भी कहा जाता है, है ना। इन्होंने 1922 ईस्वी में बम्बई में झील सेवा मंडल की स्थापना की। क्या स्थापना की? झील सेवा मंडल की इन्होंने स्थापना की थी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ठक्कर बापा ने, अमृतलाल विठल दास ठक्कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं सेम क्वेश्चन वही हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो बोल रहा है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? जो खिलाफत भारतीय सम्मेलन जो 1919 में हुआ, ओके, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन सी शौकत अली, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें जो करेक्ट आपका आंसर होगा आपका ए होगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। देखिए दोस्तों समझिए यहाँ पे खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन एक्चुअली ऐसा हुआ कि टर्की के खलीफा के प्रश्न पर भारत में शुरू हुआ। मार्च 1919 को एक खिलाफत कमेटी का निर्माण हुआ। 21 सितंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस की एक बैठक बुलाई गई और इसकी अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी। इसके अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान घोषणा की कि यह हिंदू और मुसलमान एकता का स्वर्णिम अवसर है, और उन्होंने खिलाफत दिवस के जोरदार बनाने की अपील की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। ओके, तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण जो हैं किस आंदोलन से संबंधित थे? आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें देखिए कौन सा होगा। पहला है चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण हैं ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन आंसर डी होगा। महाराष्ट्र में गणपति पूजा, ठीक है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व श्री गणेश किसने किया? पहला ऑप्शन है बीजी तिलक, एमजी रानाडे, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताना कि इसमें किसने स्टार्ट किया। तो देखिए दोस्तों बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने इसको स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव बोल रहा है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और बहुजन समाज। चार ऑप्शन दिए आपके पास। ओके, तो बताना किसमें कि जो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित जो समाज है कौन सा समाज है? ओके, तो बताना इसमें चार ऑप्शन है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। ओके, तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा आर्य समाज। आंसर बी होगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आर्य समाज। दोस्तों यह समझिए जो दयानंद सरस्वती हैं 1875 ईस्वी में
1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की, और इनका जन्म हुआ था 1824 में। इनका जन्म की बात करें तो 1824 में इनका जन्म हुआ, कहाँ, गुजरात के मोरबी रियासत में हुई थी। इनका बचपन का नाम था क्या, मूल शंकर। अक्सर जवाब पूछता है इनका बचपन का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन थे। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बीजी तिलक, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी श्रद्धानंद, और ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। ओके, तो आंसर देने की कोशिश करेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यह समझिए, क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। ओके, तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आंसर डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 बोल रहा है प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखिए दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग, बी ऑप्शन है तिलक, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। तो देखिए दोस्तों, जो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं कौन है, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। ओके, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो दोस्तों यहाँ देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, ऑप्शन आपके पास चार हैं, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर। तो देखिए इसका करेक्ट आपका हो जाएगा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम जो गुरु थे वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। इसका आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि सती प्रथा की पाबंदी किसने लगाई। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पूछा है सती प्रथा का पाबंदी किसने लगाई, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आपका आंसर होगा विलियम बेंटिक।